वेलकम टू माय चैनल शादमानी किचन। और आज शादमानी किचन में बनने जा रहा है चिकन फ्राई। तो देखिए, मेरे पास ये आधी किलो चिकन है। तो इसमें सबसे पहले मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून नमक, 6 महीने से धोने के बाद इसमें जो है मैंने कट लगा दिए थे, देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। और हाँ, एक बात और, लेग पीस में जब आप कट लगा लें तो यहाँ इधर बिल्कुल लास्ट में इस जो नस होती है इसकी, इसको काट देना चाहिए। इससे क्या होता है कि चिकन जो है जब कुक करते हैं तो ये यहाँ से ना इसकी अच्छे से पक जाती है। तो इसमें नमक डालने के बाद मैंने 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसमें 1 नींबू का रस शामिल करूंगी। ये बीज निकाल लेंगे, 2 बीज रह गए इसमें। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें चाट मसाला पाउडर जाएगा। नींबू जो है इसमें बहुत अच्छा टेंडराइज का काम करता है। और 1 टीस्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, होममेड गरम मसाला पाउडर। और इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन हाथ से मसल कर क्रश करके डाल देंगे हम, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथों से मिक्स करना है, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको। और इसी के साथ इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर का। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो आप अरारोट भी डाल सकते हैं। और इसमें 2 चम्मच भर के मैं डालूंगी बेसन के, जो इसको बाइंडिंग देगा अच्छी सी। और इनको अच्छे से मिक्स करके बस मैं 15-20 मिनट के लिए रख दूंगी। आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे भी आप इसको रख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। इसमें मैं दही भी शामिल करूंगी और इसमें 2 चम्मच भर के मैं दही शामिल कर दूंगी। और इसको बहुत अच्छे से हाथों से मसाज करके इसकी, इसको अच्छे से मैरिनेट करके हम रख देंगे 15-20 मिनट। अगर आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हैं, मैं भी थोड़ा सा फूड कलर इसमें डालूंगी ताकि इसका कलर अच्छा हो जाए। और इसमें मैं 1 पिंच फूड कलर, रेड ऑरेंज फूड कलर डाल दूंगी। इससे क्या होगा, जैसे बाजार में दिखता है ना बहुत ही प्यारे कलर का चिकन फ्राई, तो ये इस कलर डालने से ऐसा हो जाएगा। और हम इसे बस थोड़ी देर रखेंगे क्योंकि हमारा इंस्टेंट चिकन फ्राई है। तो इसको मैं अभी 15-20 मिनट रखने के बाद इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो इसको अब हम ढक कर रख देते हैं। अच्छा जी, हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है जो कि मैंने मीडियम हॉट गर्म किया है। अब इसमें एक एक करके मैं अपने चिकन के पीसेस डालूँगी जो मैरिनेटेड चिकन है। और हमें मीडियम हॉट ऑयल में ही ये चिकन के पीसेस डालने हैं। अगर हम तेज़ तेल में डाल देंगे तो ये एकदम से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये पीसेस डालने के बाद हमें इन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ना है 2 मिनट तक, उसके बाद हम इन्हें चेक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, दो से तीन मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको पलटती हूँ। देखिए, अगर हम इन्हें जब ही छेड़ देते तो ये सारा मसाला इनका हट जाता, और अगर ज़्यादा तेज़ तेल में हम इनको तल देते तो भी ये एकदम से ब्राउन हो जाते और अंदर से कच्चे रह जाते। बस मैं इन्हें अभी निकाल लूँगी हाफ डन, और फिर दोबारा से तेल गरम करके फिर हम इनको क्रिस्पी करेंगे। मैं 2 मिनट, 3 से 4 मिनट और पकाऊंगी। अच्छा जी, हाफ डन हो चुके हैं तो मैं इनको निकाल लूँगी क्योंकि इन्हें फिर दोबारा से फ्राई करना है। जब हम इन्हें दोबारा फ्राई करेंगे तो एकदम बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे जैसे कि बाजार में मिलते हैं। अच्छा, यह हमारा तेल दोबारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें हम ये दोबारा अपने चिकन के पीसेस डाल के इन्हें सुखा करेंगे। इन्हें बस 1 मिनट तक फ्राई करना है।
से एक एक करके मैं इस तरह सारे पीस दोबारा से डबल फ्राई करूँगी, इससे बहुत कुरकुरे हो जाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं ये, और बस अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं निकाल देती हूँ। जूम करके ले। ये हमारा चिकन फ्राई बनके बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही अच्छा बना है। देखिए कितना कुरकुरा है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट जूसी, देखिए एकदम मॉइस्ट। आप इसे नींबू और प्याज के साथ इंजॉय कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके ये कैसी लगी आपको। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और हरी चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो मैंने हरी चटनी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। शुक्रिया।